ससुराल गेंदा फूल टू की तितली की रियल दुनिया। शगुन शर्मा संग एक दिन, ईशान की नई सुहाना यानी कि तितली का स्वैगर, इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन टू, गंगा तू आशिकी जैसे शोज में काम कर चुकी शगुन शर्मा अब आप सबको एंटरटेन करने आ रही हैं स्टार भारत के शो ससुराल गेंदा फूल सीजन टू में बनकर तितली। सास बहू और बेटिया संग तितली यानी कि शगुन करेंगी डे आउट, जिसमें होंगी ढेर सारी मस्ती, डांस, गाना, वो घुमाएंगी अपना घर, बताएंगी अपना फिटनेस फंडा, घर से सेट तक का सफर करेंगे और वो भी रिक्शा और बोट से, साथ ही शगुन मिलाएंगी अपनी रियल फैमिली से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं डे आउट की, चल के शगुन के घर। हाय एवरीवन, वेलकम टू सास बहू बेटियां, और ये है मेरा घर, आइए मैं दिखाती हूँ। शगुन के घर पहुँचते ही सबसे पहले उन्होंने कराई अपने खूबसूरत आशियाने की सैर, दिखाई अपनी फोटो वॉल, दिखाया अपना कमरा, अपना फेवरेट कॉर्नर। तो चलिए शगुन के साथ घूमते हैं उनका होम स्वीट होम। एक्चुअली मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ ये खाली रखा था, तो मेरे मम्मा ने बोला किट्टू दिवाली आ रही है एटलीस्ट थोड़ी तो पूजा कर लिया कर, तो माई सिस्टर गेव मी दिस, देन ये वाला और ये वाला मुझे दिवाली का वो गिफ्ट वाउचर आता है ना और पैकेज जो आता है उस पर मिला था, तो मुझे ये वाले तो बहुत प्यारे लगे, तो मैंने इन दोनों को यहाँ रख दिया। और फिर मैं धूप भी लेके आई, मैं ये लेके आई कि चलो ठीक है थोड़ा मंदिर वाला वाइब होना चाहिए, और बुक्स ये सब हैं मेरे पास। दिस इज माई फेवरेट बुक थिंक लाइक अ मंक, ये मैं मोर देन हाफ कंप्लीट कर चुकी हूँ। दिस आई येट हैव टू स्टार्ट, मैंने अभी तक ये शुरू नहीं किया है। और बाकी ये सब डायरीज हैं जो मैं एक टाइम पे लिखना शुरू की थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा माई सिस्टर इज़ वेरी नोजी, जैसे मैं बाहर जाऊँगी शिल्पी क्या लिखा है डायरी में, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि वो रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके घर में इतना बड़ा मिरर है, एंड जब भी मैं वो मिरर देखने जाती हूँ ना, मैं उसके आगे डांस करती रहती हूँ, कूदती रहती हूँ, एंड आई सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि आई एम प्रीटी मच ऑब्सेस्ड विद मिरर्स और मे बी माई सेल्फ, और एज एन एक्टर यू नो यू शुड हैव अ मिरर इन योर हाउस, क्योंकि वेन यू आर डांसिंग यू आर वर्किंग आउट। अभी कोविड के टाइम पर मैं बाहर जाके वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, मैं जितना कम हो सके उतना जा रही हूँ पब्लिक प्लेसेस में, तो यहाँ पर मैं वर्कआउट करती हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डांस करती हूँ एंड योगा करती हूँ। और ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब मेरा शो बंद हुआ था पिछला वाला, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी लाइफ में, क्योंकि आई वॉज़ लाइक यार इतना अच्छा शो चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, और वो बंद हो गया अचानक से। तो फिर मैं मेरे दोस्त के घर पर देखे थे ये, एंड आई फेल कि अपने घर पर भी कुछ ऐसा मोटिवेशनल होना चाहिए। अब मेरी दिन की शुरुआत बहुत सिंपल है, मैं उठती हूँ, अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ, और मैं वेट करती हूँ कि मेरी कुक दीदी आ जाए तो जल्दी जल्दी मैं कुछ खाऊं। और अगर कभी सुबह का कॉल टाइम होता है तो मैं बिना कुछ खाए निकल जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी खाया भी नहीं जाता। और बैग में अपना रात को ही पैक करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। सुबह उठ के मेरा मेन यही रहता है कि मैं जल्दी जल्दी उठूँ, नहाऊँ और जस्ट निकल जाऊँ, कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता मुझे सुबह उठ के, सिवाय सीधे काम के लिए निकलना। और ये मेरे घर का हॉल है, जिसमें बहुत प्यारी सी क्यूट सी विंडो भी है। आई लव दिस विंडो, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सफोकेट हो रहा है तो मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ। ये मेरी पिक्चर वॉल है, इसमें मैंने अभी तक सिवाय अपने पुराने शो के जो मैं पिक्चर्स अपने सेट से उठा के लाई थी, उसके अलावा कोई पिक्चर्स नहीं है। अभी मुझे अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, सबकी फोटोज इसमें ऐड करनी है। ये मैं और मेरी कज़न है, दिस इज़ मी, ये मेरी कज़न है सिस्टी, सबको लगता है ये लड़का है बट ये मैं हूँ। ये परम और मैं, ये हमारा फ़ोटोशूट हुआ था इश्क पर जोर नहीं का, ये फ़ोटोशूट का है, ये फ़ोटोशूट का है, ये भी फ़ोटोशूट का है, और ये मेरे दोस्त ने जो मेरा हस्बैंड क्लिक करा था लक्ष्य, उसने क्लिक की थी फ़ोटो, एंड आई लव दिस पिक्चर, तो काफ़ी फ़ोटो अच्छी आई है। ये घर का ही है,
इसको नीचे कूदने से डर लगता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो लिया। ये एक फ़ोटो शूट का है। हार्डली मैंने लाइफ में दो फोटो शूट्स करवाए हैं तो उनमें से एक ये है। और दिस इज अगेन यहाँ वाला पिक्चर। वैसे शगुन अपनी सेहत का भी पूरा पूरा ख्याल रखती है और जब भी उन्हें समय मिलता है वो घर पर ही वर्कआउट करती है, योगा करती है और सेहतमंद रहती है। ये मेरा वर्कआउट सेक्शन है। यहाँ मैंने अपने डंबल्स रखे हैं, योगा मैट रखी है, यहाँ पीछे एक क्रंचेस करने के लिए इट्स अ वेरी फन थिंग दिस वन। और ये मेरा मेजरिंग टेप है बिकॉज ऑब्वियसली मेरा बहुत वेट ऊपर नीचे जाता रहता है तो उसके लिए ये है। स्किपिंग रोप मैं ऊपर छत पे जाके करती हूँ, बहुत रेयरली बट स्टिल करती हूँ। एंड ये मुझे मेरी बहन ने दिया है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, बट ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसको मैं यहाँ पर लगाती हूँ, वन फ्रॉम दैट साइड वन फ्रॉम दिस साइड एंड देन आई जस्ट पुल इट। अब बारी है शगुन का कमरा देखने की और इस कमरे को शगुन ने अपने हाथों से सजाया है। ये ड्रीम कैचर, ये लाइट भी आती है इसमें, ये देखो। ये पूरा घर मैंने ही सजाया है एंड एक्चुअली मैंने अपने रूम में रखा था लेकिन फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने रूम के लिए इससे भी क्यूट चीज़ दे दी, फिर मैंने इसको यहाँ लगा दिया। ये मेरा रूम है, इसमें सब पहले से लगा हुआ था, मैंने सिर्फ आके ये और ये सब रखा है। तो आई एम अ ह्यूज फ्रेंड्स फैन, लाइक मैं दिन में जितनी बार खाना खाती हूँ मैं उतनी बार फ्रेंड्स लगा के खाना खाती हूँ। सो दिस इज़ द टाइटल ट्रैक ऑफ दैट, आई विल बी देयर फॉर यू। तो ये मेरे को मेरे फ्रेंड ने जैसे ही दिया मैंने वो ड्रीम कैचर यहाँ से हटा के वहाँ लगा दिया और इसको यहाँ पे फिक्स करा दिया। सो जब मैं चश्मा नहीं पहनती हूँ कई बार मेरे को हेडेक हो जाती है। सो अभी कुछ दिन से मुझे बहुत हेडेक हो रही है क्योंकि ये यहीं पे रह जा रहा है। एक्चुअली ये मैंने एक हैंगर में तीन और चार ड्रेसेस रखी हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा है वार्डरोब, अगर आप देख सकते हो तो। सो ये बहुत छोटा वार्डरोब है इसलिए, और अभी मैं ड्रेसेस पहन भी नहीं पा रही हूँ पर मैंने फिर भी पहन लिया है। भाई घर घूमते घूमते बारी आई किचन में जाने की। वैसे आपको बता दे कि शगुन को कुकिंग नहीं आती लेकिन फिर भी उन्होंने सास बहू और बेटिया के लिए बनाई कॉफी। ये मेरा किचन है, छोटू सा क्यूट सा। ये मल्टी फंक्शनल किचन है क्योंकि मैंने इसमें वॉशिंग मशीन भी रखी। क्या बनाने वाली हो अगर मेरे दोस्त देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे यार हम इतनी बार आए हमारे लिए तो इसने पानी नहीं उबाला है। मैं अपने दोस्तों को बोल देती हूँ यहाँ कॉफ़ी पड़ी है, चीनी पड़ी है, पैन यहाँ पे, जो बनाना है बना लो क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है बनाने, बट मैं कॉफ़ी बना सकती हूँ।